आज से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित मिशन शक्ति का प्रोग्राम आरंभ हो रहा है, जिसमें महाविद्यालय बालिकाओं के प्रोत्साहन, उनके संवर्धन, उनके मनोवैज्ञानिक उन्नयन, उनमें विधिक जागरूकता के लिए अनेक अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगा, ताकि उनका ओरिएंटेशन हो सके, उन्हें अपने जीवन निर्वाह में सहूलियत हो सके, वे सम्मान पूर्वक अपने पद पर अग्रसर हो सके। इसी को लक्ष्य लेकर के महाविद्यालय 7 दिन तक लगातार ऑनलाइन प्रोग्राम करता रहेगा, जिसमें कई वेबिनार्स होंगे, कुछ ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी जिसमें छात्र छात्राएं भाग लेंगे, कुछ एनएसएस का मोटिवेशन होगा। आज गेस्ट के रूप में हमारे बीच होंगे श्रीमती संजू सिंह जी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं मध्य प्रदेश से, श्रीमती प्रियंका वर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पीसीएस लोअर स्तर के अधिकारी हैं, और जुड़ने का प्रयास करेंगे श्री चंद्रेश त्रिपाठी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पीसीएस अधिकारी हैं और संयोग से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड है। सबसे पहले आज ऑनलाइन मंच की औपचारिकता आरंभ हो, मैं अपने सीनियर आदरणीय डॉक्टर इंदुशेखर उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ऑनलाइन संगोष्ठी का आरंभ भी करें, और हमारे बीच जो प्राध्यापक और जो अभिभावक हैं उन्हें बालिका सुरक्षा की शपथ भी दिलाएं। डॉक्टर इंदुशेखर उपाध्याय जी। धन्यवाद सतीश जी, मेरी बात सुन रहे होंगे। जी जी सर। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आज के कार्यक्रम को इतनी सफलतापूर्वक आप आयोजित किए हैं, जिसमें हमारे शासन के और न्याय न्यायपालिका विभाग के तमाम अधिकारी जुड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हमारे महाविद्यालय से जितने लोग जुड़े हैं सबको साधुवाद देता हूं, हमारे प्राध्यापक बंधु, विद्यार्थी और अभिभावक, जितने भी लोग जुड़े हैं। मुझे एक शपथ की बात करनी है, बाद में करता हूँ। दो बातें अपने मन की करना चाहता हूँ। जब जब आवश्यकता पड़ी है समाज को, तब तब कोई न कोई एक कानून, एक पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए कोई योजना बन जाती है। हमारा भारतीय वांग्मय इस बात का गवाह रहा है कि नारी शक्ति आज से नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति काल से ही सर्वोपर रही है। चाहे आप देख लें, विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते थे, लेकिन सारी चीजें और सारा नियंत्रण लक्ष्मी जी करती थी। समुद्र मंथन के समय जो विसंगति आई, देव और असुरों में, सुर और असुरों में, अमृत और मदिरा को बांटने की बात जब रही, सारे देवता संकट में, उस वक्त भी अगर किसी ने सुरक्षा किया तो नारी ने सुरक्षा किया। समुद्र मंथन में आपने देखा ही, शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था, जब मृत्यु का संकट आ गया तो अंततः फिर उनकी रक्षा नारी शक्ति ने ही किया था। कृष्ण भगवान सदैव राधा जी के इशारे पे काम करते रहे, जब जब जरूरत पड़ी राधा जी ने मदद किया। इतना ही नहीं भाई साहब, इतिहास गवाह है कि नारी वो शक्ति है जिसने यमराज के नियम को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके लिए सारे लोग सती सावित्री की कथा सुने होंगे। तो आज से नहीं, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से हमारे यहाँ नारियां हमेशा शक्ति स्वरूपा रही हैं। आप देखें, वर्तमान समय में हमारे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास को तुलसी बनाने का योगदान और सबसे बड़ा श्रेय अगर है तो रत्ना जी को है। परिस्थितियों की चर्चा नहीं करते। बीच में भी संगतियां आती गई, मुगल काल आया जिसमें हमारी रानी लक्ष्मीबाई हुई, दुर्गावती हुई, पद्मावती हुई, तमाम लोग हुए, इतिहास सारे लोग जानते हैं। मेरे केवल यह कहने का आशय है कि नारी आज से नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति काल से ही शक्ति स्वरूपा रही है। और बीच में हमारे कुछ कवियों ने, जो मुगल काल आया, बीच परिस्थितियों के हिसाब से लिख दिया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कराहनी। परिस्थितियां बदलती गई। आज समय यह है कि आज समाज में जो विसंगति पैदा हो गई है, जो भ्रष्टाचार पैदा हो गए हैं, नारियों के सम्मान पे जो संकट आ रहा है, इसमें से कौन जिम्मेदार है, काहे को जिम्मेदार है? उन्हीं सारी चीजों के लिए हमारी सरकार ने ऐसे मौके पे, नवरात्र के पावन पर्व पे, और ये एक मिशन बनाया है
शक्ति मिशन जिसका नाम दिया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वक्त भी, समय भी महत्वपूर्ण है, और इस समय इस तरह की विसंगतियां भी बहुत ज्यादा आ गई हैं। ज्यादा तो हम इस पे आपसे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय सीमा है। आज आप देखें, जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है, हमारा अपना संविधान बना है नारियों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए। कभी नारी शिक्षा का अभियान चला, कभी नारी सशक्तिकरण का अभियान चला, आज शक्ति मिशन चलाया जा रहा है। कानून बनाते हैं लोग। कष्ट की बात है डॉक्टर सतीश जी कि जो कानून बनाता है वो कानून का पालन नहीं करता है, और जिसको पालन कराने का दायित्व दिया गया है वो खुद नहीं पालन करता है, और जिसे पालन करना है वो कानून को जानता ही नहीं है। तो आज इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए महाविद्यालय ने यह जो एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, और जो कानून है उसकी सही जानकारी देने के लिए आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारी न्यायिक सेवा में है श्रीमती संजू सिंह जी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं मध्य प्रदेश में, काफी जानकार हैं, योग्य हैं, कानून की पुरोधा हैं, आज हमारे बीच में रहेंगी। उन कानूनों से, उन नियमों से, उन विधियों से जो विधि विशेषज्ञता उसकी है उससे सबको अवगत कराएंगी। दूसरे हमारे आज श्री चंद्रेश त्रिपाठी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पीसीएस अफसर हैं, संयोग से सुल्तानपुर जनपद में हैं, काफी लोकप्रिय हैं, सरल हैं, सज्जन हैं। और हमारे जो तीसरे अतिथि श्रीमती प्रियंका वर्मा जी हैं, ये भी लोअर पीसीएस अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं। आज इन तीन अतिथियों का उद्बोधन हमको प्राप्त होगा, और इस आधार पे हमको और इससे जुड़े जितने भी अभिभावक हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं, सबको यह जानकारी होगी कि सरकार ने शक्ति मिशन के रूप में कौन कौन सी योजना बनाई है, और कैसे कैसे नारियों के सम्मान के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। मैं सबको साधुवाद देता हूं जितने लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सरकार ने एक शपथ पत्र दिया है जो खास तौर से अभिभावकों के लिए है, मैं उसको क्रम से आपको पढ़ रहा हूं। अब ये तो संभव नहीं है कि हम एक बार पढ़ें आप दोबारा दोहरा लें, लेकिन सारे लोगों से निवेदन है इस शपथ पत्र को मन में ही दोहराते रहें और इसकी एक एक पंक्तियों को ध्यान देते रहें। ये केवल इसी पे है कि आज का समाज अपने लड़कियों के लिए, बच्चियों के प्रति जो अन्याय होता है उसके प्रति तो चिंतित हो, आदरणीय सर आपका माइक ऑफ हो गया है, कृपया माइक ऑन कर लें। डॉक्टर जी जी जी, ये भी संगति आ जाती है। सभी गार्जियंस, जो भी गार्जियंस हैं वे अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और सर के साथ शपथ को दोहरा सकते हैं। तो जो भी गार्जियंस जुड़े हैं और जो भी प्राध्यापक जुड़े हैं, जी सर। मैं शासन द्वारा प्रदत्त एक शपथ पत्र है, मैं उसको दोहरा मैं पढ़ रहा हूँ। निवेदन है कि जितने लोग भी दोहरा सके उसको दोहरा। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य अभी ऑनलाइन हुए हैं, सबने क्या ईयरफोन लिया हुआ है? जी नहीं, बीच में कोई छात्र ना बोले, मतलब सुनाई नहीं देगा किसी। और प्लीज बच्चों, कोई छात्र बीच में ना बोले। इस प्रकार से मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ या कहता हूँ, ठीक उसी प्रकार से अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसको भी दैनिक गतिविधियों का पूर्ण ध्यान रखूंगा या रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शासन। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो अगर दिखाई दे रहा होगा। मैंने बता दिया, एक सज्जन कुछ ज्यादा वीडियो शॉट वगैरह ले रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे आपको भाई साहब? सर आप एक बार फिर अपने माइक को ऑन करें। ये बार बार माइक मेरी तरफ से आप हो रहा है कि वहीं से? नहीं सर, कुछ है। अच्छा ठीक, कोई बात। हमने
शपथ पत्र पढ़ के सुना दिया। शपथ पत्र का जो मूल बिंदु रहा एक मिनट में उस पर चर्चा कर देता हूँ। केवल इस शपथ पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हैं कि हम जिन बिंदुओं पे अपनी बच्चियों के प्रति सचेत रहते हैं उन्हीं बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हम अपने बेटियों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, संतानों के प्रति भी हमेशा जागरूक रहें और उनके प्रति दृष्टि रखाए रहें और उनको अनुशासन और मर्यादा में रहने के लिए हमेशा नियंत्रित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज जितने लोग इस वेबिनार संगोष्ठी में जुड़े हैं मैं पुनः सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक बात और अंत में कहना चाह रहा हूं, नवरात्र चल रहा है, नारी शक्ति को इतनी आसान नहीं है। भगवान राम को रावण का वध करना था और उस वक्त उन्होंने शक्ति को प्रकट करने के लिए अनुष्ठान किया था जिसमें 108 कमल पुष्प की जरूरत थी, लेकिन रावण मायावी था, माया से वो रोज एक पुष्प गायब कर देता था। अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जब एकदम असहाय हो गए तब उन्हें याद आया कि मुझे कहा जाता है कि लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, तो उन्हें याद आया कि मुझे राजीव नेत्र कहा जाता है। और अंतिम दिन उन्होंने निकाला तरकस से बाण और कहा अगर एक पुष्प घट रहा है तो उसकी जगह मैं अपना एक नेत्र चढ़ा के और शक्ति को प्रकट करूंगा। और उसी समय शक्ति प्रकट हो गई, उन्होंने कहा रावण का संहार करो। हमारे कहने का आशय है कि सृष्टि की उत्पत्ति काल से नारी सदैव शक्तिमान रही है, उसे अपने शक्ति का एहसास होना चाहिए, उसे अपने ताकत का हमेशा ज्ञान होना चाहिए, निज गौरव का नित ज्ञान रहे और हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सारे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपका संबोधन एक प्रेरणाप्रद संबोधन होता है। न केवल मैं स्वयं उद्भूत होता हूं बल्कि हमारे छात्र और छात्राएं भी बड़े ही उद्बोधन को प्राप्त होते हैं। इसके बाद मैं वक्ता के रूप में, आज आमंत्रित वक्ता के रूप में हमारे बीच हैं डॉक्टर श्रीमती प्रियंका जी। प्रियंका जी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो कृपया माइक को ओपन करें। बहुत बहुत आभार जी सर। प्रियंका जी आप अपनी बात बच्चों के सम्मुख रख सकते हैं। सर मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही प्रियंका जी। सबसे पहले तो मिशन शक्ति के इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण को हमारा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, मैं आज इस मिशन शक्ति के मंच से अपनी बात तो कुछ प्रेरणादायक पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ, जो हमें कुछ हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं जो हमें अपील करती हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की वक्त को भी तलाश है। तुझसे लिपटी ये बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, इन बेड़ियों को पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू। अपनी चूनर उड़ा ध्वज बना, आसमान कप कपाएगा, अगर तेरी चूनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। दोस्तों, महिलाएं कहीं से भी कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम अबला नहीं है। हमारी सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रश्न केवल तब तक ठहरता है जब तक हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास सोया रहता है। हमें अपने आत्मबल को जगाना है, अपने आत्मविश्वास को कहा गया है। बृहत संहिता में एक पंक्ति कही गई है, पुरुषाणाम सहस्रम च सती नारी समुद्रे। अर्थात इसका आशय ये है कि एक उत्कृष्ट आचरण वाली स्त्री नारी सहस्रों पुरुषों का उद्धार करती है, उनका कल्याण करती है। तो दोस्तों, नारी कैसे अबला हुई? नारी अबला नहीं है, नारी अबला नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा और हमारे इस आत्मबल, आत्मविश्वास, अपने आप को सशक्त बनाने के मार्ग में हम अकेले नहीं हैं। इसके साथ हमारी सरकार हमारे साथ है। वो नित्य नई स्कीम ला रही है जिसपे हमें अपने आप को जागरूक बनाते हुए हमें उस पे अमल करने की जरूरत है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अभी हाल ही में मुझे ध्यान आ रहा है, फरवरी 19 फरवरी 2005 को
2019 को नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं भारत सरकार की तरफ से, उसमें इमरजेंसी महिलाएं या हमारी जो छात्राएं हैं कहीं भी गई हैं, अगर वो किसी मुसीबत में है, किसी भी स्थान पे, किसी भी समय पे, किसी मुसीबत में है, तो तत्काल उस बटन को दबा के पुलिस की सहायता वो प्राप्त कर सकती हैं। तो इस चीज को हमें जानने की जरूरत है, जो स्कीम चलाई जा रही है उसके प्रति अलर्ट रहने की जरूरत है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए शौचालय बनाए जा रहे हैं, पिंक जो है पिंक शौचालय करके होता है, और महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस थाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सब व्यवस्था हमारी सुरक्षा के लिए की जा रही है। तो बस हमको इन सब योजनाओं के प्रति ऑलवेज जागरूक रहने की जरूरत है कि क्या क्या स्कीम, हमें उसे जानना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारी सुरक्षा के लिए इतने लोग तत्पर हैं, हमको कदम बढ़ाना है। हमारे सशक्तिकरण के लिए भी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी गवर्नमेंट ने तमाम तरह की योजनाएं बनाई हुई हैं, जैसे मिशन शक्ति के तहत ही मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन, इसके तहत चार क्षेत्रों में, चार एंगल पे सरकार प्रयास कर रही है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, जैसे महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जैसे सिलाई कढ़ाई और इस तरह के स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है महिलाओं में, छात्राओं में, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एम्प्लॉयमेंट मिलने से उनको आर्थिक स्तर पे आत्मनिर्भरता आएगी, जो सशक्तिकरण का बहुत अहम पहलू है। और डिजिटल लिटरेसी के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। डिजिटल लिटरेसी भी आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि आज अगर हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं तो शायद मोबाइल के कारण हो पा रहे हैं, और ये मोबाइल ही हमको आपसे कनेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो डिजिटल लिटरेसी के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है, हमको इस पे ध्यान देने की, जागरूक रहने की जरूरत है और फॉलो करने की जरूरत है। हेल्थ और न्यूट्रिशन भी एक अहम चरण होता है, हम हेल्दी रहेंगे, न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे तो हम जो है अपने क्षेत्र में कोई भी काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत सी स्कीम लाई है, जैसे कि बालिका छात्रवृत्ति योजना है, फीस माफी योजना है, और कम ब्याज पे ऋण मुहैया कराए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को। तो इन सब योजनाओं का हम लाभ उठा करके स्वयं को सशक्त बना सकते हैं। और इसके साथ ही स्थानीय निकायों में देखिए तो 50% आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को। महिला आयोग, स्पेशली महिला आयोग जो बनाया गया है राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, ये भी महिलाओं के लिए ही है, उनके समस्याओं का तत्काल समाधान करने के लिए ही है। तो महिलाओं पे फोकस होकर के ये जो सारी स्कीम चलाई जा रही है, ये हमको सशक्त बना रही है, हमको इस पे काम करना है, इनको फॉलो करना है। तो इन सब योजनाओं का हमें लाभ उठाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक जगह भाषण के दौरान कुछ पंक्तियों का प्रयोग किया था, उन्होंने कहा था कि महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, भारत के विकास में न कम में न ज्यादा में बराबर की भागीदारी है। इसे हमें समझना होगा, हम कहीं से भी कम नहीं है, हम बराबर के भागीदार हैं, पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हमको अपने आत्मबल को बढ़ा के अपने आप को आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी, मैं इस पे बार बार फोकस कर रही हूँ कि मानसिक मजबूती, आत्मबल सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए सुविधाओं की और लोगों के सहयोग की कमी नहीं है, बस हमको इस पर चलना है, इसको फॉलो करना है, जागरूक रहना है। और इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि जो वर्तमान समय में जितनी चीजें चल रही हैं, आदिकाल से भी हम जो है महिलाओं को ही जो है सशक्तिकरण के, महिला सशक्तिकरण का रूप हमने देखा है। जैसे कि देखते हैं कि राधा कृष्ण कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है, तो राम जी के पहले सीता जी का नाम, कृष्ण जी के पहले राधा जी का नाम, तो ये भी
हमारे आदिकाल में हम महिला के सशक्त रूप को दर्शाता है। तो इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हमको अपने मानसिक संबल के साथ, मानसिक मजबूती के साथ अपने आप को मजबूत करना है, सशक्त बनाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद प्रियंका जी, आपका उद्बोधन बच्चों के लिए बड़ा ही प्रभावशाली होगा और बच्चे देख करके आपको बेहतर फील करेंगे और प्रयास करके आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमारे लिए बड़ा सुखद है कि बड़ी संख्या में हमारे साथ गार्जियन भी जुड़े हैं और उनके घर का व्यू भी हमें दिखाई दे रहा है कि घर में कैसे चना भुनाई हो रही है या कैसे चावल का काम हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता लग रही है कि आज कैंपस और कम्युनिटी एक लिंक में आ गए हैं। अब हमारे बीच आज के वक्ता के रूप में श्रीमती संजू जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम मध्य प्रदेश से उपस्थित है, हम लोग उनका उद्बोधन सुनेंगे। संजू जी, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? कृपया माइक को अनम्यूट कर ले जी, बार बार माइक डबल क्लिक हो जा रहा है। जी यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों को सर्वप्रथम मेरा बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया सर कि मैं अपने कुछ जो मेरे नॉलेज है उससे कुछ आप किसी कुछ लोगों को भी लाभान्वित करूं, थैंक यू। मुझे टॉपिक मिला था महिलाओं से संबंधित अधिकार, इसके संबंध में थोड़ी जानकारी देने का। तो सर इसमें सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो महिलाओं से संबंधित अधिकार है वो सर्वप्रथम हमारे संविधान में ही वर्णित है। हमारे संविधान की प्रस्तावना ही कहती है कि सबको समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। उसके आगे अगर हम संविधान में बढ़ते हैं तो आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली प्रोविजन करता है कि महिलाओं को कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे, जैसे मातृत्व से संबंधित या बाकी वर्क प्लेस से संबंधित कुछ उनको प्रिविलेज मिलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे उनको, उसका प्रावधान हमारा संविधान ही करता है। इसके आगे अगर हम चलें तो डीपीएस जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, उसमें भी स्टेट को एक डायरेक्शन दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा ही कि आप महिलाओं से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान करिए, जैसे वो कार्यस्थल पे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, मातृत्व के संबंध में उनको कितने लाभ दिए जाएंगे वगैरह। अब आते हैं जो कानूनी अधिकार है उन पे। अगर कानूनी अधिकारों की बात करें तो सर्वप्रथम हम संपत्ति के संबंध में जो अधिकार महिलाओं को प्राप्त हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे पिता की संपत्ति में क्या अधिकार प्राप्त है महिला को। तो इसके संबंध में सर हम तीन स्टेजेस में बात करना चाहेंगे। पहला स्टेज हमारा आएगा 1937 या उससे पहले वाला स्टेज, जब महिलाओं को सिर्फ मेंटेनेंस का राइट मिलता था, कोई प्रॉपर्टी में राइट नहीं था। 1937 में उनको लिमिटेड राइट मिला प्रॉपर्टी होल्ड करने का, कि आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती हैं अपने ससुराल पक्ष की मेंटेनेंस के लिए। लेकिन 1956 का जब एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो उसमें महिलाओं को राइट फुल फ्लेज होल्ड करने का मिला, जो मिल उन्हें प्रॉपर्टी मिल सकती थी। सारी प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिल सकती थी, लेकिन जो मिल सकती थी उसमें उनको राइट मिला कि वो उसको अच्छे से होल्ड कर सकती थी, और ट्रांसफर करने का लिमिटेड राइट भी मिला जो कर लेती थी। अब आते हैं वर्तमान परिस्थिति पे क्या है। 1956 वाले एक्ट के बाद, अधिनियम के बाद, एक बहुत बड़ा चेंज आया 2005 वाले अमेंडमेंट में। सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि महिलाओं को जो कोई लड़की है परिवार की उसको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने, फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार मिला, कोपर्शनरी प्रॉपर्टी में। उसमें ये था कि 9 सितंबर 2005 को से जो भी कोई लड़की है तो वो अपने पिता के संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसके संबंध में आगे चल के कुछ हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट अपने व्यूज दिए और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया प्रकाश फूलवती का 2016 में, उसमें कहा गया कि इसका जो इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब कि अगर कोई लड़की और उसका पिता अगर 9 सितंबर 2005 को जीवित है तब तो उसे अपने पिता की प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, अगर दोनों में से कोई एक भी जीवित नहीं है तो उसको राइट नहीं मिलेगा। फिर एक स्टेज आगे बढ़े हम सुप्रीम कोर्ट में,
वहां ये आया 2016 की बात है, केस का नाम था दानम्मा वर्सेस जामर करके 2016 का एक केस आया, उसमें जस्ट इसका अपोजिट आया कि नहीं ये तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसका, 9 सितंबर 2005 की डेडलाइन देने की जरूरत नहीं है, पहले से ही अगर कोई लड़की है तो वो क्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी। लेकिन अभी एक रिसेंट जजमेंट आया है विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा का, अभी इसी साल की बात है जजमेंट आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि इमटेरियल की 9 सितंबर 2005 को कोई लड़की जीवित है या नहीं है, उसका पिता जीवित है या नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर्टी में राइट्स मिलेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो पिता की कोपोशनरी प्रॉपर्टी है उसमें उसको राइट मिलना है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी राइट है वो होता है उसको स्त्री धन कहते हैं। स्त्री धन वो होता है जो शादी के समय में कोई महिला उसके साथ गिफ्ट के रूप में ले जाती है, रिश्तेदार माता पिता वगैरह देते हैं या उसे गिफ्ट मिलता है, या जिसने खुद उसने कमाया है अपने से कमाया वो स्त्री धन होता है। वैसे धन तो उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है और वो उसको ले सकती है, उसमें ना तो उसके पति का अधिकार होता है और ना ससुर का, ना पिता का, ना भाई का, किसी का ना, वो एक्सक्लूसिव उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। आगे प्रॉपर्टी में देखे तो पति की प्रॉपर्टी में कितना उसका अधिकार मिलता है, पति की प्रॉपर्टी में उसका अधिकार मिलता है जब पति की डेथ हो जाती है उनकी, वो मृत्यु हो जाती है उनकी, तो वैसे सिचुएशन में पत्नी को राइट है कि उनकी प्रॉपर्टी उसे मिलती है। ये तो था संपत्ति के संबंध में आपका राइट महिलाओं का। नेक्स्ट आते हैं कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उसके संबंध में महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। इसमें अगर कोई महिला के ऊपर किसी ने केस कर दिया मान लीजिए और पुलिस उसको गिरफ्तार करने आती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जरूरी है कि उसको सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, मतलब रात में अरेस्ट नहीं कर सकती। अरेस्ट जब करेगी तो कोई महिला ऑफिसर ही करेगी उसको या महिला पुलिस ही करेगी, उसकी तलाशी लेगी तो महिला पुलिस ही तो उसकी तलाशी लेगी। ये हो गया तो प्रोसीजर हो गया। अब आते हैं कि आईपीसी के अंतर्गत कुछ महिलाओं को विशेष अपराध के संबंध, महिलाओं के संबंध में विशेष अपराध बनाया गया है कि अगर कोई घटना होती है, जैसे कि 498A शादी के बाद में तमाम दहेज की मांग को लेकर के या तरह तरह की प्रताड़ना होती है तो क्रुएल्टी जिसे कहते हैं, क्रुएल्टी के आधार पर 498A और सेक्शन 406 आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इसमें ये प्रावधान है कि अगर ससुराल पक्ष की ओर से किसी भी तरह की प्रताड़ना दी जाती हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, तो इसके अंतर्गत FIR वो महिला दर्ज करा सकती है। तीसरा, एक जैसे कई बार क्या होता है कि डोरी इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि लोग उसकी डेथ ही कर देते हैं, महिला को मार ही देते हैं, तो उसमें एक अपराध बनता है दहेज हत्या का, 304B वो होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आजकल अपने समाज में महिलाएं काफी वर्किंग हो गई हैं, तो वर्किंग वुमेन के भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए हैं सरकार ने, कुछ स्पेसिफिक कानून बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके साथी, आपके सीनियर, आपके जूनियर आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, इसके संबंध में अगर कोई अश्लील व्यवहार बर्ताव करता है या अशिष्ट व्यवहार करता है, तो ऐसे संबंध में आपको पूरी पूरी कानूनी अधिकार आपको प्राप्त है कि आप उनके प्रति जाके, और एक कमेटी होती है वहाँ पे, कंप्लेंट कमेटी होती है, उसमें आप शिकायत करिए, वो इमटेरियल के आपके सीनियर ही हैं तो आप उसमें कंप्लेंट कर सकती हैं, उसमें इंक्वायरी प्रोसीड होती है, और इसके अलावा आप डायरेक्टली जाके FIR भी दर्ज करा सकते हैं। इसमें कुछ आपको फैसिलिटी ये है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे महिला टॉयलेट होना आवश्यक है, आपको 6 बजे सुबह से 7 बजे शाम के बीच ही काम कराया जा सकता है। अगर आप वर्किंग है और वहाँ पे 30 लेडी वर्किंग है, 30 या 30 से ज्यादा महिलाएं वर्किंग है, तो वहाँ पे क्रेच की सुविधा होना बहुत जरूरी है, वहाँ पे होना ही चाहिए। और लगातार कोई महिला अगर काम कर रही है तो उसे 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं लिया जा सकता है, 5 घंटे के बाद उसे ब्रेक देना ही देना है, और एक हफ्ते यानी 7 दिन में 48 घंटे से ज्यादा उसकी वर्किंग नहीं होगी, ये कहता है। आगे बात आती है मातृत्व लाभ की। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या डिलीवरी होने वाली है उसकी, वैसे सिचुएशन में उसके डिलीवरी से जस्ट 6 हफ्ते पहले और उसके 6 हफ्ते बाद उसको पेमेंट के साथ छुट्टी मिलती है, उसको कहते हैं मैटरनिटी लीव, ये उसका अधिकार है, उसको मिलना है।
वेतन अधिनियम समान वेतन, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं अगर वही काम आपका कोई पुरुष साथी कर रहा है तो वैसे सिचुएशन में आपको इक्वल पेमेंट मिलेगा, जो भी पेमेंट होगा जो भी सैलरी होगी वो बराबर ही होगी। ऐसा कानून भारतीय सरकार 1976 में लेके आई थी। अब नेक्स्ट आपके जो अधिकार हैं वो हैं विवाह से संबंधित अधिकार। विवाह से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, जो ऑफेंसेज होते हैं या बाकी चीजें होती हैं, उसमें क्या क्या अधिकार आपको प्राप्त है। जब कोई लेडी शादी हो जाती है किसी महिला की, तो उसके बाद उसके सामने कई सारी परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त है। उसमें सबसे पहला अधिकार आपको है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, विवाह के पहले और विवाह के पश्चात, ये दोनों इसको इसका यूज किया जा सकता है। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1968 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसका सेक्शन 3 और 4 ये प्रावधान करता है कि ना तो कोई दहेज ले सकता है और ना ही कोई दहेज दे सकता है। लेने वाला अगर कोई लेता है तो भी, और अगर कोई देता है तो भी, इन दोनों में इसको अपराध माना जाता है ये। इसके बाद शादी के बाद कई बार देखा गया है खासतौर से भारतीय समाज में कि शादी के बाद महिलाओं का बहुत ही उत्पीड़न होता है। वो अपने घर के छोड़ के दूसरे घर में जाती है लेकिन वहां उनका अति उत्पीड़न होता है। ऐसे में आपकी हेल्प कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसमें अगर कोई किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो अगर वो जा सकती है खुद से FIR करने, थाने में जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकती है तो एज यूजुअल आपके पास 1091 का ऑप्शन उपलब्ध है। आप 100 डायल करने से ज्यादा अच्छा है कि 1091 डायल करिए, जो महिला हेल्पलाइन है उससे आप बात करिए, उससे हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो इसके अंतर्गत कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, जो कि अगर आप एक बार फोन करके बता देंगी तो वो आपके घर पे भी आ जाएंगे, घर पे आके आपकी रिपोर्ट लिखेंगे और लिखने के बाद से वो थाने को भेज दी जाती है, थाना खुद ही FIR दर्ज कर लेता है। इस अधिनियम में ये भी व्यवस्था है कि अगर महिला को लगता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती या यहाँ रहने में मुझे जनधन की हानि होने की संभावना है, तो ऐसी परिस्थिति में महिला जो है वो एक आवेदन लगाती है सेक्शन 12 के अंतर्गत कोर्ट में। वो ये कि मुझे इस तरह के, या तो मुझे मेंटेनेंस चाहिए, रेजिडेंस चाहिए, बच्चे की कस्टडी चाहिए। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में तो ससुराल वाले रख लेते हैं, तो महिला कोर्ट में लगा सकती है अर्जी कि नहीं हमें हमारा बच्चा हमारे साथ रहना चाहिए, तो कस्टडी ले सकती है। प्रोटेक्शन ऑर्डर, उसको लगता है कि जनधन की हानि हो सकती है, मेरी जान को खतरा है, तो वैसे में वो एप्लीकेशन लगाएगी कोर्ट में सेक्शन 12 के अंतर्गत, तो उसको कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करती है जिसमें ये हो सकता है कि जो उसका पति वो भी उससे ना मिलने जाए, ससुराल वाले ना मिलने जाए, उसके आसपास ना फटकें, या ये आप इतने टाइम ही अपने बच्चे से आके मिल सकते हैं अगर बच्चा उसके साथ रहता है, तो पति को निर्देश दिया जा सकता है, ऐसे होते हैं। नेक्स्ट जो राइट आता है महिला का वो होता है मेंटेनेंस का राइट। शादी से संबंधित ये राइट है सारे, मेंटेनेंस का राइट। मेंटेनेंस के राइट में आपको सबसे पहले जो इमीडिएट राइट लगता है महिलाओं को, बड़ा आसान सा, 125 CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 125 सेक्शन 125 में इसका प्रावधान है। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है, आप एक सिंपल सा आवेदन बनाइए, आवेदन बना करके और कोर्ट में पेश कर दीजिए कि हमारी शादी हुई थी और हमारी शादी हुई थी, हम एक साथ पति के साथ रह रहे थे और हमारे साथ पति, चाहे जो भी ग्राउंड रहा हो, अब नहीं रखना चाहते हैं या नहीं रहते हैं, तो हमें उनसे भरण पोषण दिलवाया जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर अति आवश्यक है तो वैसी कंडीशन में 30 दिवस के अंदर कोर्ट इस चीज के ऑर्डर कर देती है, मेंटेनेंस का ऑर्डर, एंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर, कुछ तो उसके सब्सिस्टेंस के लिए देती है, उसके जीवन यापन के लिए, कि 30 दिन के अंदर ऑर्डर कर देती है कि कुछ एंटरिम तौर कर देती है। इसके बाद जो मेन एप्लीकेशन होता है उसको जनरली 60 दिन के अंदर निपटाना होता है, कोर्ट को 60 दिन के अंदर ऑर्डर आ जाता है। यदि कोई वैसी विशेष बात नहीं हुई, जैसे महिला ही अगर नहीं पहुंची कोर्ट पेशी पे तो कहां से ऑर्डर होगा, नहीं हो पाता है। लेकिन अगर महिला टाइम टू टाइम जा रही है पेशी पे, या उसका पति ही पता चला कि कहीं दूसरे स्टेट में बड़ा दूर है तो वो आ ही नहीं पा रहा है, तो वैसे सिचुएशन थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर कर देती है 125 में मेंटेनेंस का ऑर्डर। और इसमें ज्यादा स्ट्रिक्टली वो ये भी नहीं देखा जाता है कि वो लीगली मैरिड है कि नहीं है, कई बार ये देखना पड़ता है कि वो लीगली मैरिड है कि नहीं है, ऐसे तो नहीं चली आई है मैरिज, तो उसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ये सब चीजें इतना नहीं देखी जाती हैं। अगर किसी महिला ने 125 का आवेदन लगा दिया है कोर्ट में, तो कोर्ट जनरली एंट्री ऑर्डर तो पास कर ही देती है कि ठीक है, अगर उसके पति की कुछ इनकम अगर है तो उसी के बेस पर कुछ तो वो इनकम ऑर्डर कर ही देती है।
अच्छा नेक्स्ट आपका मेंटेनेंस के लिए आता है हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18, इसके अंतर्गत भी आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। अगर अर्जेंट मेंटेनेंस चाहिए तो 125 में जाना पड़ता है, 125 दंड प्रक्रिया संहिता में। और अगर इसमें सेक्शन 18 में जाएंगे तो इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, ये रेगुलर प्रोसीडिंग चलती है। सेक्शन 18 में ये भी प्रावधान, जो 125 में आप अपने पति से ही मेंटेनेंस ले सकती है महिला, किसी अदर से नहीं ले सकती, लेकिन सेक्शन 18 में क्या होता है, सेक्शन 18 में अगर पति जीवित है तो पति से लेगी, और अगर पति जीवित नहीं है तो फिर पति से तो मिलना है नहीं। और अगर पति सक्षम नहीं है, मान लीजिए जीवित भी है सक्षम नहीं है, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में महिला को मायके तरफ जाना होता है, उसका पिता अगर सक्षम है तो उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर पति सक्षम नहीं है तो। और अगर पिता भी सक्षम नहीं है फिर एक प्रोविजन है कि उसके जो ससुर हैं उनको मेंटेनेंस देना पड़ता है महिला को रखने का, अगर उसका पिता सक्षम नहीं है, यानी अगर पति भी सक्षम नहीं है पिता भी सक्षम नहीं है तो ससुर को मेंटेनेंस देना पड़ता है उसमें, तो वो हालांकि लंबी प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट बात आती है मुफ्त कानूनी सलाह की। अभी मैंने जितने आप लोगों को ये अधिकार बताए, ये अधिकार तभी संभव है जब आप कोर्ट तक पहुंच पाए या कोई एक्शन लें, कोई स्टेप आप लें, तभी संभव है। कई बार क्या होता है, इग्नोरेंस होता है, हमें पता नहीं होता है, हमारे साथ अपराध होता है, हमारी प्रताड़ना होती है, हमें दिक्कतें होती है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि हमें जाना कहाँ है, हम किससे कॉन्टेक्ट करें, हम किसको बताएं अपनी व्यथा। अगर कोई नई लड़की शादीशुदा गई है अपने ससुराल में, 4 दिन गए हुए, 6 दिन गए हुए, महीना, 2 दिन, महीना हो गए मान लीजिए, तो वो अपनी व्यथा किसको बताएगी कि हमें इनसे कष्ट हो रहा है, वहां तो सब दूसरे अभी हैं नए नए, उसके अपने घर परिवार वाले तो है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा आपको, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है कि कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, या 1091 आप डायल करके बता दीजिए, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा, अगर आपको कानूनी कोई स्टेप लेना है, जैसे कोर्ट में कोई अर्जी लगानी है, कोई सूट फाइल करना है, कोई FIR करानी है, और आपको पता ही नहीं चल रहा हमको करना कैसे है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, तो ऐसे में भारत सरकार का एक कानून है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, उसके अंतर्गत मुफ्त कानूनी सलाह की सुविधा भारत सरकार ने दी हुई है। इसी के अंतर्गत नेशनल लेवल पे नालसा होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनती है, स्टेट लेवल पे सालसा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा होता है, और यहाँ तहसील लेवल पे उसको टालसा कहते हैं, तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके एक चेयरमैन होते हैं, इसका एक अलग ही, जहाँ पे कोई भी सिंपल कोर्ट होगी उसी के बगल में ADR सेंटर करके होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम करके आता है, वैकल्पिक उसकी विवाद की समाधान की व्यवस्था, तो उसके अंतर्गत आता है। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको सिंपल वहां चले जाना है, वहां पे जो भी कर्मचारी होंगे, अगर जा सकते हैं तो चले जाइए, जो भी कर्मचारी होंगे वो आपके आवेदन के सब कुछ लिखवाएंगे भी, बताएंगे भी कि आपको सहायता कहाँ मिलती है। इसके अंतर्गत कई बार क्या होता है, लीगल एड क्लिनिक्स भी चलाते हैं वो लोग, एक रिसेप्शन टाइप का रखते हैं, वहां पर रिसेप्शन होता है, आप जाके बताएंगे कि मुझे ये समस्या है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसके यहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, क्या बताऊँ, तो सारी आपको समस्याओं का समाधान देते हैं, वो बताते हैं कि आपके ये इसमें अधिकार हो सकते हैं, आप यहाँ यहाँ जा सकते हैं, और लास्ट स्टेज पे वो प्रोसीड भी कराते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, तो एक एप्लीकेशन आप वहां पे दे दीजिए, वो वहां पे कर देंगे। ये सिंपल आपकी समस्या क्या होगा। दूसरे ये होता है कि अगर आप महिला हैं तो इसी एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि आप चाहे सिविल सूट फाइल करें, क्रिमिनल FIR कराएं, या कुछ भी कराएं, कोई भी लीगल एक्शन लें, तो उसमें महिला होने के नाते आपको फ्री लीगल एड की सुविधा उपलब्ध है, आपको किसी को वकील को करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें पेनल लॉयर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है वो एक लिस्ट रखती है लॉयर्स की, उसमें से कोई भी लॉयर वो नियुक्त करके आपको दे सकते हैं कि ठीक है आपके लिए ये लॉयर काम करेगा। क्रिमिनल मैटर्स में मान लीजिए कि आप अभियुक्त हैं, अभियुक्त मतलब आपके अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया, आप अभियुक्त हैं, वैसे सिचुएशन में भी इसे मुफ्त कानूनी सलाह आपकी पैरवी करने के लिए फ्री में एक वकील दिया जाएगा आपको, वो लीगल वही डालसा जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है वो आपको प्रोवाइड कराती है। आई होप कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ छूट गया हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार।
संजू जी, निश्चित रूप से छात्राओं को और खास करके जो गार्जियंस महिला जुड़ी हैं उनको भी बड़ी प्रेरणा मिली होगी और बहुत सी चीजें हम लोगों को भी जानने का अवसर मिला है कि किस तरह से कानूनी सलाह मिल सकती है और किस तरह से कानूनी सलाह का वैकल्पिक प्रारूप मिल सकता है इन सब के लिए, और छात्राएं विशेष रूप से क्या क्या कानूनी राइट्स उनको हैं, क्या क्या वे अपने बारे में सुरक्षा के उपाय जान सकती हैं, और हमारे बीच में कई कामकाजी महिलाएं भी जुड़ी हैं, कई ऑफिस वुमेन भी जुड़े हैं, वो भी अपने राइट के बारे में अवेयर हो सकी हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक औपचारिकता के लिए शासन का एक निर्देश पत्र है कि महिला सुरक्षा के संदर्भ में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए छात्रों के द्वारा एक शपथ दिलाई जाए। छात्र इस शपथ को लें और वे बालिकाओं के साथ जो उनके साथ रहती हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाती हुई इस जीवन संग्राम में एक प्रकार से उन्हें सपाठी हैं, मैं सहकर्मी मानता हूं। तो ये हमारा पूरा विस्तृत क्षेत्र है जहां सभी कर्म कर रहे हैं। हम अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, हमारे छात्र अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, छात्राएं अध्ययन का कार्य कर रही हैं। इनके सम्मान की गारंटी हमारी होनी चाहिए, ऐसी एक शपथ आदरणीय प्रिंसिपल साहब प्राचार्य जी के माध्यम से छात्रों के लिए दिलाई जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी, प्राचार्य। सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो कृपया माइक ओपन कर। सर माइक ओपन नहीं हुआ सर। जस्ट ए मिनट सर, मैं दूसरा ऑप्शन देता हूं। जी सर माइक को ओपन करें। जी ये शपथ, जी जी सर, ये शपथ केवल छात्र लेंगे, ये शपथ छात्रों के लिए है ताकि उनके मन में अपने साथ पढ़ने वाले छात्राओं के प्रति सम्मान जगे, स्वाभिमान जगे, उनके मन में आदर पैदा हो और वे बड़े सम्मान पूर्वक एक दूसरा का साथ देते हुए अपने अध्यापन अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। जी सर। सतीश जी। जी सर। हेलो। जी सर, जी सर, मैं बोल सुन रहा हूँ। हाँ, मैं शपथ शुरू करता हूँ। जी, छात्र अपनी माइक को ओपन कर सकते हैं, सभी छात्र अपने माइक को ओपन कर सकते हैं। सभी छात्र अपने माइक को ओपन कर सकते हैं। बालिका सुरक्षा शपथ है तो शांति बनाए, कहीं ना हो मैं पढ़ूंगा और जितने बालक या छात्र कोई से दोहराएंगे मेरे पढ़ने के बाद। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि सदैव 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 बालिकाओं महिलाओं का सम्मान करूँगा, महिलाओं का सम्मान करूँगा और मैं सम्मान उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा, उनकी सुरक्षा करूंगा। मैं प्रत्यक्ष अपने कृत्यों शब्दों तथा कर्मों से किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा, मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को बालिकाओं और महिलाओं को
उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने में अपना योगदान दूंगा। जय हिंद। अब आप अनम्यूट कर दें सबके। जी सर। हाँ म्यूट कर दें। केवल एक मिनट का समय मुझे और दे दें, उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को चलाएं म्यूट करने के बाद। सर आप अपने माइक को फिर से ओपन करें। हाँ सर जी। बस एक से दो मिनट का समय मैं लूंगा। आज महाविद्यालय ने मिशन शक्ति के तहत इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। मैं हृदय के अंदर मेरे जो बात थी उसको कहने के लिए सिर्फ एक मिनट का समय लिया है, अत्यंत संक्षेप में। हमारे महाविद्यालय परिवार के हमारे सम्मानित अध्यापकगण, हमारे अग्रज, आप सबको मैंने अत्यंत संक्षिप्त समय में सूचित किया। आपने मुझे उत्साह दिया, मेरे साथ लगे, और आप सबका सहयोग इस कार्यक्रम में अत्यंत उत्साह के साथ मिला। निश्चित रूप से सतीश जी ने जो औपचारिक आभार का कार्यक्रम होगा वो तो रखा होगा, पर मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम 25 अक्टूबर तक निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहेगा, ऐसा बनाया गया है टाइम टेबल, और एक ग्रुप भी बना दिया गया है बच्चों का, छात्र छात्राओं का, उससे जुड़े रहेंगे। मैं अपने छात्र छात्राएं जो आज इस मंच से जुड़े हुए हैं, अनेक फोन मेरे पास आ रहे थे, लड़के नहीं जुड़ पा रहे थे, कुछ तकनीकी दिक्कत थी, लेकिन जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़ पाए, सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अपने छात्र छात्र के प्रति, और उम्मीद करता हूं कि आप सब 25 तक इसी तरह से निरंतर जुड़े रहेंगे, और यदि जुड़े रहेंगे, आपकी उपस्थित रहेगी, तो एक मिशन शक्ति का प्रमाण पत्र भी आपको ऑनलाइन हम उपलब्ध कराएंगे, जो आपके जीवन में आगे कार्य आएगा। सतीश जी इस पर विस्तार से आपको बता देंगे। कल 11:30 बजे से कार्यक्रम है जो महिला पोषण पे है। मैं अपेक्षा करूंगा कि जो हमारी छात्राएं हैं वो निश्चित रूप से उसमें प्रतिभाग करें। अंत में आप सबके प्रति हार्दिक आभार। निश्चित रूप से दो मिनट का व्यवधान हुआ होगा, पर मेरे मन की बात थी और कहने के लिए मैंने सतीश जी से आग्रह किया। बहुत बहुत आभार आप सबका। सतीश जी कार्यक्रम को आप आगे। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बड़े उत्साही है, बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ये आपके कुशल निर्देशन का ही आधार है कि सब बड़े उत्साह से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ तकनीकी असुविधा थी, हमारे मीटिंग ऐप की क्षमता 500 के आसपास है और प्रायः 300-350 लोग जुड़ जाते हैं। बात कुछ तकनीकी समस्या रही, कल मैं उसको रिजॉल्व कर लूंगा, और मैं पूरा प्रयास किया हूं, जहां तक मुझे लोग दिखाई दिए मीटिंग में, मैं उन्हें इंटर करने का पूरा प्रयास किया है। इस तरह का यह कार्यक्रम कंटिन्यू चलेगा। जो छात्र और छात्राएं जुड़े हैं उनके लिए ऑनलाइन में सूचना दे दूं और ग्रुप पर भी ये सूचना जाएगी। मिशन शक्ति STDPG कॉलेज के नाम से दो ग्रुप बना है, आप उसमें जुड़ने का प्रयास करिए, अपने साथियों को जोड़ने का उसमें प्रयास करिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप मैसेज डालेंगे, मैं सीधे जोड़ लूंगा, लिंक भेज करके जोड़ लूंगा। लगातार कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, जिसमें आप सबको प्रतिभाग करना है, और इसमें चयनित छात्रों को अभी प्रिंसिपल सर ने बताया ही आपको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी प्रतिभागी कुशलतापूर्वक इन 7 दिनों का प्रोग्राम पूरा करेंगे, मिशन शक्ति सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा, जो आपके भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मैं सभी साथी प्राध्यापकों से भी अनुरोध करता हूँ कि इस महाविद्यालय कार्य, इस शासन के कार्य को
सरलता पूर्वक निस्तारित करने में पूरा योगदान दे। आप सबका बहुत बहुत आभार है। आप सब बड़ी तल्लीनता और बड़ी सक्रियता के साथ मंच से जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं इस ऑनलाइन संगोष्ठी के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव से अनुरोध करता हूँ कि श्रीमान ऑनलाइन से जुड़े हुए अतिथियों का, अभिभावकों का और प्राध्यापकों का औपचारिक आभार ज्ञापन करें, और विशेष रूप से जो हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हैं उन्हें स्नेह का उपहार जरूर दें, क्योंकि ये उन्हीं की शक्ति है कि ये प्रोग्राम इतनी सुंदर तरीके से संपन्न हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डॉक्टर साहब, आवाज जा रही है? जी सर कंटिन्यू। नवरात्र प्रारंभ के द्वितीय दिवस पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अकादमिक शासन एवं राज्य सरकार ने के निर्देश पर मिशन शक्ति कार्यक्रम जो महिला सुरक्षा और कानून को मद में रख करके 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारा महाविद्यालय जो परम पूज्य पंडित श्री राम किशोर त्रिपाठी जी की बगिया है, महाविद्यालय आज दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को वेबिनार का प्रारंभ कर रहा है। इस कार्यक्रम में अनेकानेक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए हम उनके प्रति बेहद आभारी हैं। सर्वप्रथम महाविद्यालय के ऊर्जावान ओजस्वी प्रेरणा स्रोत प्रबंधक श्री सरोज त्रिपाठी जी को हमारी तरफ से नमन और आभार, जिनके प्रेरणा स्वरूप हम लोग एक एक नया सोपान इस कोविड के दौरान जोड़ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में माननीय न्यायाधीश महोदया, जिनके सारगर्भित उद्बोधन से हम सभी काफी अच्छी जानकारी प्राप्त किए, श्रीमती संजू सिंह जी आप माननीय न्यायाधीश हैं, आपके आगमन से हमारा सारस्वत मंच वर्चुअल मंच अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। इसी क्रम में मैं श्रीमती प्रियंका सिंह जी जो लोअर विशेष अधिकारी उत्तर प्रदेश रही हैं, आपका सागरभित उद्बोधन भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत, हमारे छात्र छात्राओं अभिभावकों और महिला सुरक्षा पर तमाम आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी ने अपने प्रेरक और ऊर्जावान संबोधन के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया और अनेकानेक सहयोग देने का भी संकल्प लिया और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। महाविद्यालय के सम्मानित सीनियर प्राध्यापक गण, जिसमें डॉक्टर इंद्रशेखर उपाध्याय जी विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग, डॉक्टर एम एम सिंह विभागाध्यक्ष समाचार विभाग शिव, डॉक्टर संतोष दास पीजी कॉलेज कादीपुर, डॉक्टर एस बी सिंह विभाग भूगोल संचालन कर रहे डॉक्टर सतीश सिंह जी, संतोष पांडे जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, डॉक्टर समीर पांडे जी, डॉक्टर करुणेश भट्ट जी, डॉक्टर सुशील कुमार पांडे जी, अन्य हमारे प्राध्यापक गण जो साथी हैं, सभी लग करके इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। जितने भी कर्मचारी वर्ग हमारे हैं वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं जिनसे संबंधित ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उनका जुड़ना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और लाभ की बात है। उन सभी छात्र छात्राओं को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं सभी आगत अतिथियों का, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अतिथियों का बारंबार प्रणाम और स्वागत करते हुए उनके प्रति बेहद आभारी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी तरफ से सीनियर डॉक्टर संजीव रत्न गुप्त जी का भी आभार व्यक्त करता हूं,
कि वे हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। श्रीमान बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। छात्रों, आपसे विशेष बात करनी है। मैं अवसर की प्रतीक्षा में था, लास्ट में बिना कहे कहने की मोह से रुक नहीं पा रहा हूं। आज आपने संजू जी को देखा, एक न्यायाधीश के रूप में आपको संबोधित कर रहे थे। मेरे लिए ये दुगुणित उत्साह और आनंद की अनुभूति का क्षण था। प्रियंका जी को देखा, ये दोनों छात्राएं क्लासरूम स्टूडेंट रही, जैसे आप हमारे स्टूडेंट हैं वैसे ये दोनों छात्राएं स्टूडेंट रही हैं। अपनी लगन और अपनी मेहनत से, खास करके प्रियंका एक मिडिल प्रज्ञा की स्टूडेंट रही है, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी लगन से इस मुकाम को हासिल किया कि ऑनलाइन मंच से हमारे सम्मुख संबोधित कर रही है, हमारे लिए बड़े ही उत्साह और गौरव का पल रहा। संजू भी स्टूडेंट के रूप में रही है और बड़ी गंभीर स्टूडेंट रही है, वो आपको न्यायाधीश के रूप में संबोधित कर रही है। और मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, एक दिन आप भी किसी तरह से किसी पद सोपान पर पहुंचिए और मैं आपको ऑनलाइन मंच पर आमंत्रित करूं, वो हमारे लिए बड़े गर्व और बड़े गौरव की बात होगी। मैं पूरा उम्मीद करता हूं और पूरा आपसे भी उम्मीद चाहता हूं कि आप इस उम्मीद पर खरे उतरे, अपने लगन के साथ अपने अध्ययन को जारी रखें। निश्चित रूप से ईश्वर आपको यह अवसर जरूर देगा और हमें भी पुलकित होने का अवसर मिलेगा। आप सभी छात्र छात्राओं को, प्राध्यापकों को, अभिभावकों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। अब समय है अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का। राष्ट्रगान के माध्यम से मैं स्क्रीन शेयर राष्ट्रगान को प्ले करने का प्रयास करूंगा। यदि राष्ट्रगान स्क्रीन शेयर के माध्यम से प्ले हो जाएगा तो ठीक, अन्यथा मौखिक रूप से राष्ट्रगान का वाचन किया जाएगा। आज आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सत्य राजकुमार सिंह जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। कल का प्रोग्राम 11:30 बजे से है, जिसका लिंक और जिसका पोस्टर अभी थोड़ी देर बाद शेयर किया जाएगा। कल आप इतने दूने उत्साह से जुड़ेंगे, खास करके छात्राओं से मैं अपील करूंगा कि जरूर जुड़ो बेटा, अपने घर परिवार को जोड़ो। कल का विषय होगा कैसे हम अपने उपलब्ध संसाधनों में पोषण युक्त आहार को प्राप्त कर सकें, वह आहार जिस पे हमें अधिक व्यय ना करना पड़े, हमारे आसपास ही हो, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो खान पान की आदतें हैं उसे हम किस तरह से प्रयोग करें कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, हमारे प्रतिरोधक क्षमता का समुचित विकास हो सके। इस पर ऑनलाइन संगोष्ठी कल है और कल तीन बड़े विशेषज्ञ हैं, आप उनसे कल मिलेंगे। मैं पोस्टर अभी शेयर करूंगा, आप उन्हें जान भी पाएंगे। कल के लिए फिर मिलेंगे और आज इसी के साथ विदा होते हैं, स्वस्ति वचन का गान सुनते हुए। जगत कल्याण की भावना, अपने कल्याण की भावना, समस्त विश्व कल्याण की भावना स्वस्ति वचन में निहित रहती है। वचन हरे ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ति न पोखा विश्ववेदा स्वस्ति न
नस्तारक्षो आरिष्टने मे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयः ओघधेखुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराकमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ मग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शिरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृखभोरो रवेति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौहौ शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौखदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वद्भो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तो कल्याणमस्तो शुभं भूयात्।